हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और LNMA के द्वारा पार्ट टू का एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है, तो आप सभी यहां से देख सकते हैं 22 से 25 का पार्ट टू एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया। और यहां पे आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहां पे आपका नेम ऑफ ग्रुप लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ग्रुप चेक कर लेना है। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि जिन स्टूडेंट का कॉमर्स, हिंदी, म्यूज़िक, ड्रामेटिक्स, फिलोसफी होगा उनका ग्रुप ए, उसी प्रकार से हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, LSW पर्शियन वाले का हो जाएगा ग्रुप बी, और जूलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का हो जाएगा ग्रुप सी। और यहाँ पे देख सकते हैं आर इकोनॉमिक्स है और ग्रुप डी में ओनली इकोनॉमिक्स है, तो आप अपना देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको अपना ग्रुप पता चल जाएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पेपर चेक कर लेना, जैसे कि आपका पार्ट टू में पेपर थ्री और पेपर फोर होता है ऑनर्स में। और यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग का टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड सीटिंग का टाइम दिया हुआ है। तो ग्रुप ए जिस प्रकार से यहाँ पे आपका ग्रुप है, उसी प्रकार से आपका पेपर थ्री और पेपर फोर भी हो जाएगा, तो आपको चेक कर लेना। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका सब्सिडी है, जनरल सब्जेक्ट है, उन सब का एग्ज़ाम दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी का 2 जुलाई से होगा सब्सिडी का एग्ज़ाम। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सीटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडी है और सेकेंड सीटिंग में केमिस्ट्री सब्सिडी है। तो इसी प्रकार से आपको अपना रूटीन चेक कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे सेंटर लिस्ट दिया गया है, तो आपको किस तरह से पता चले कि आपका कौन सा सेंटर है, तो आपको यहाँ पे अपना कॉलेज देख लेना है। इस वाले टेबल में आपको अपना कॉलेज ढूंढना है, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे आपका उस कॉलेज का सेंटर दिया हुआ है। जैसे कि पहले मैं MLSM कॉलेज दरभंगा और BMA बरेली दरभंगा और जो भी अदर कॉलेज है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी का सेंटर कहाँ हुआ है, CM साइंस कॉलेज दरभंगा में उनका सेंटर पड़ा है। उसी प्रकार से मड़वाड़ी कॉलेज दरभंगा या RBJ कॉलेज दरभंगा या RBJ कॉलेज दरभंगा, इन दोनों का सेंटर कहाँ पड़ा है, MLSM कॉलेज दरभंगा में। तो इसी तरह से आप अपना यहाँ पे कॉलेज चेक कर लीजिए इसी वाले लाइन में, और उसके बाद आपको अपना उसी प्रकार से इधर सेंटर लिस्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपना रूटीन आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।